हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। और ये देखिए, शाम का टाइम है, बकरे बकरियों को जो है कि भूसे का सहारे दे दिया गया है और ये खा रहे हैं। दो छोटे बच्चे इधर हैं और ये देखिए बरबरी के एक ब्रीडर और बकरी इधर खा रहे हैं और ये बरबरी क्रॉस के बच्चे इधर खा रहे हैं। दोस्तों, आजकल बारिश में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि बकरे बकरियाँ ठीक से खा नहीं रहे हैं और वो बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं और उनका वज़न घट रहा है। तो दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि बकरे और बकरियों का भूख कैसे बढ़े ताकि उनका वज़न बढ़े, उनका ग्रोथ हो और वो स्वस्थ और मस्त रहें। नए फार्मर होते हैं, बगैर जानकारी के फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और बीच बीच में बकरी पालन में बहुत सारी समस्याएँ आती है, छोटी बड़ी समस्या आती रहती है और इतने समस्या आते हैं कि आपको पता नहीं है कि उसका हल कैसे निकाला जाए, उसका हल कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए क्या किया जाए। दोस्तों, ये देखिए मेरी बकरी, देखिए अभी कितनी कमज़ोर हो गई है। ये देखिए, चूँकि इसने बच्चे दिए हैं और इसके दोनों बच्चे देखिए साथ में हैं और दूध पी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बकरी खाने पीने में बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है। और ये बकरी देखिए, ये भी थोड़ी कमज़ोर हुई है और ये एक महीने 10 दिन हो गया लगभग इसको गाभिन होकर के। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कि बकरी का भूख कैसे बढ़ाएं और उनको मोटा तगड़ा कैसे करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये देखिए बकरे बकरियां खा रहे हैं और मैं बड़ा परेशान था 3-4 दिन से, तो फिर वही नुस्खा हमने भी आजमाया जो आज मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए किस तरीक़ा से खा रहे हैं सब, देखिए ये भी किस तरीक़ा से खा रही हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमने पहले से रेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये डीपी स्ट्रांग, ये एक तरीके का पाउडर है, ये पाचन क्रिया को सही करता है और ये चूर्ण है जो इनके हाजमे को सही रखता है। जैसे हमारे गांव देहात में, शहर में बोलते हैं ना फंकी, पाचक चूर्ण है ये, जो कि उनके हाजमे को सही करता है और उनके पेट को ठीक रखता है। और ये देखिए, ये एक पाउडर है और ये जो है कि उनके भूख बढ़ाता है और इस पाउडर का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, टोन काइंड। टोन काइंड इस पाउडर का नाम है, टोन काइंड गोल्ड। ये पाउडर बकरियों का भूख बढ़ाता है और ये उनके हाजमे को सही रखता है। डीपी स्ट्रांग, देखिए दिख रहा होगा आपको, पाचक एवं शक्ति वर्धक। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि बकरे बकरियां ऐसे जानवर हैं कि इनको कोई भी पाउडर या कोई भी दवा अगर इनके जैसे कि ये भूसा का सानी खा रहे हैं, अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये बराबर नहीं खाएंगी, ठीक तरीके से नहीं खाएंगी। तो इनको खिलाने के लिए दाना मिश्रण जो होता है आपका, आप उसमें मिला करके खिलाएं। जैसे कि मैं दाना इनको खिला चुका हूँ, ये देखिए, ये खली चुनी है, मटर की कढ़ाई और गेहूँ का चोकर और चने का चुनी इसमें है, तो मैं इसमें मिला करके उनको दूंगा। और दोस्तों, ये देखिए मैं इसमें निकाल रहा हूँ, ये पूरा एकदम बारीक पाउडर है और ये मेरे पास जितने बकरे बकरियाँ हैं एक पैकेट ही काफ़ी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये टोन काइंड गोल्ड पाउडर है, ये भी एकदम बारीक पाउडर है। और ये भी जो इसका फंकी है, ये भी बारीक पाउडर है। अब इसको हम इसमें अच्छे तरीके से मिला लेंगे, मिलाने के बाद ये लोग चारा खा रहे हैं, हम इसको उसमें डाल देंगे और सब एकदम आराम से इजी जो है कि खाएंगे। और दोस्तों, ये जो पैकेट है ये 10 ग्राम का पैकेट है, मेरे पास जितनी बकरियां हैं ये पूरा एक टाइम मैं देता हूँ। और इसमें 125 ग्राम का पैकेट है, ये मैं 2 टाइम में देता हूँ इनको, कल मैं दिया था, आज फिर आधा था मैंने इसमें डाल दिया। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये आपको रोज़ नहीं देना है, हमेशा नहीं देना है, ये 3 दिन लगातार देना है, उसके बाद जो है कि इनका भूख खुल जाएगा, इनको अच्छे तरीके से भूख लगेगा और ये अच्छे तरीके से जो है कि खाएंगी। तो देखिए इस तरीक़ा से आप अच्छे से मिला लीजिए। और तो दोस्तों, ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और डाल रहे हैं, और इस तरीक़ा से आप डालें, देखिए बहुत चाव से जो है कि खाएँगे आप। चारे के जितने भी बर्तन लगे हैं आप सब में डाल दीजिए, इस तरीक़ा से आप डाल देंगे। ये देखिए डाल दिया गया है, ये देखिए बड़ी बकरियों को भी दे दिया जा रहा है,
तो दोस्तों 3 दिन लगातार देने के बाद एक टाइम दीजिए, दोनों टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, एक टाइम दीजिए। जैसे मैं कल एक टाइम दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। और ये देखिए सब मज़े से खा रहे हैं। 3 दिन एक एक टाइम देने के बाद सुबह दें या शाम को दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप हफ्ते में एक बार दें, फिर 15 दिन में एक बार दें, फिर महीने में आप एक या दो बार, बस एक या दो बार दें। और ये हमेशा अपने पास रखें, बकरियों का भूख हमेशा बना रहेगा। और जब बकरियाँ खाएंगी तभी जो है कि उनका ग्रोथ होगा, वज़न बढ़ेगा और वो स्वस्थ रहेंगी। तो दोस्तों ये टोन काइंड गोल्ड आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का ऐड या प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और ये भी डीपी स्ट्रांग आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह आप रूचा मैक्स आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ रूचा मैक्स ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी इनको मैं दिया हूँ ये टोन काइंड गोल्ड, तो अब इसके बाद मैं एक पैकेट और लाऊंगा और वो खिलाऊंगा। उसके बाद मैं डीपी स्ट्रांग या तो फिर रूचा मैक्स, यही जो है कि मैं दूंगा। इसको नहीं लाऊंगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 125-30 रुपये का ये है और ये मात्र 20 रुपये का है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि बकरियों को आप भूख कैसे बढ़ाएँ और उनका ग्रोथ कैसे बढ़ाएँ। बकरी को मोटा ताज़ा करने का, उनके बच्चे को मोटा ताज़ा करने का ये सस्ता और आसान नुस्खा है, इसको आप अपनाएं। अगर आपकी बकरियां नहीं खा रही हैं, बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।